चील है, काइट है जो बच्चा। कैसा सीन चल रहा था आज? सीन ये चल रहा था कि हम लोग घर से बाहर आते हैं, दादी जी को चोट लगी हुई होती है। हम जब यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि दादी के फेस पे निशान है। हम पूछते हैं कि निशान कैसे आए, तो दादी जी कहती कि चील मतलब ऊपर दिखाती है। और हम सब देख के शॉक हो जाते हैं कि वो चील ऊपर नैना को लेकर हवा में उड़ रहा है, इधर उधर घूम रहा है। सो वी ऑल आर स्कैर्ड। तो उतनी देर में देवरी आ जाता है और देवरी बोलता है कि अगर हम तप करेंगे तो बच्ची वापस मिल जाएगी। तो हम बैठ के तप कर रहे थे, तो तब ईगल अपने आप नीचे आता है और बच्चे को गोद में लेकर चला जाता है। तो हम सब रिलीव्ड हो जाते हैं। फिर दादी जी काली से आर्ग्यूमेंट करने लग जाती है कि तुम बच्चा संभाल नहीं सकती, ये नहीं सकती। तो वो बोलती है कि सारे फसाद की जड़ी पेड़ है, तो मैं पेड़ ही काट दूँगी। फिर वो पेड़ काटने जाती है तो पेड़ कटता ही नहीं है काटने के बाद भी, तो एक्स टूट जाता है उससे। तो हम सब शॉक हो जाते हैं। वही हो रहा है सीन में, काफ़ी अंधविश्वास पे बेस्ड था ये सीन। तो क्या आप ये शो ही पूरा वैसे है, अंधविश्वास ही शो है, सभी सुपरस्टिशन। रियल लाइफ में आई एम नॉट सुपरस्टिशियस। आई डू बिलीव दैट देर इज सम पावर ऑफ गॉड, बट एक पॉजिटिविटी है भगवान जी की, पर मैं सुपरस्टिशन ये सब अंधविश्वास में बिलीव नहीं करती। किस तरह का ट्विस्ट देखने मिलेगा आगे? आगे फिलहाल तो अभी नैना का ही चल रहा है। देवरी जो नई एंट्री हुई है उसी का सब बता रहे हैं कि वो किस तरह के काला जादू करता है, क्या करता है। आगे भी वही कुछ होगा, बच्ची को लेकर ही कुछ ना कुछ होगा। दिवाली आ रही है तो आप व्यूअर्स पे क्या कैसे मिशन? I would wish all the viewers a very, very happy Diwali and don't burn a lot of crack.